क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जेड लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट वाज द टोटल ऑफ जेड लिमिटेड शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं भाई? शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी एंड रिजर्व दोनों आ जाते हैं। तो इक्विटी एंड रिजर्व में क्या आएगा? एक तो इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा। सही, इशूड शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है? वो शेयर जो हमने इशू की है। पेड अप का मतलब जितने शेयर इशू किए थे उसमें से पैसे कितने के आ गए। तो यहाँ तो 2 लाख दिया हुआ है, एक ही मतलब जितने इशू किए थे सबके पैसे आ गए, सही है ना। और जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 30। शेयर होल्डर फंड में कैपिटल भी आ जाएगा और रिजर्व भी आ जाएंगे, जिसमें जनरल रिजर्व भी आ जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ पे रिटेन प्रॉफिट नहीं आता, रिटेन प्रॉफिट भी आएगा और यहाँ पे डेबेंचर कभी भी नहीं आएगा। डेबेंचर तो क्या होता है? लोन होता है। तो 3 चीज़ आएंगी, इशूड शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग, तीनों को ऐड कर लें। ये हो गया 245,000। सी आंसर। अगर इसी सवाल में मैं आपसे बोलता है टोटल शेयर होल्डर फंड्स के बजाय आप निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है भाई? अपना पैसा भी गैरों का पैसा भी। अपना पैसा शेयर होल्डर का कितना है बिजनेस में? 245। और बाहर से लोन कितना लिया है? 20। अगर बाहर का लोन भी ऐड कर देंगे इसमें 245 में 20, तो 265 क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है तो इसमें शेयर होल्डर फंड्स भी आ जाएगा और उसमें डेबेंचर भी आ जाएंगे। डेबेंचर, सही जी।